नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। ऑल इन वन चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि अगर आपके घर में बाथरूम पुराना हो चुका है और आपने गीजर के कनेक्शन नहीं रखे हैं, तो आप उस बाथरूम में गीजर किस तरीके से लगवा सकते हो, मैंने इस वीडियो में यही दिखाया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस बाथरूम में कोई भी गीजर का कनेक्शन नहीं रखा गया है और हम इस बाथरूम में खुद ही कनेक्शन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इस बाथरूम में एक ही नल लगा था, उस नल से हमने गीजर के लिए कनेक्शन निकाला। तो उसमें हमने जो नल था उसको निकाल के हमने एक GIT लगाई और उसके साथ एक गट्टी निपल लगा दिया। उसके बाद हमने दोबारा उसी नल को उस टी के साथ लगा दिया और गीजर का कनेक्शन उसी जगह से हमने निकाल लिया। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाते हैं कि गीजर की फिटिंग किस प्रकार की जाएगी विद आउट पॉइंट। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच सके। तो दोस्तों, आप देखते रहें, हमने गीजर को इस तरीके से विद आउट पॉइंट के साथ फिट किया है इस बाथरूम में। तो दोस्तों, ये जो हमने गीज़र लिया है, ये 25 लीटर का गीज़र है, इसको पहले हम फिट कर लेते हैं। अब हम पानी का प्रेशर भी चेक कर लेते हैं, प्रेशर तो ठीक है। अब इसी कनेक्शन को हम गीजर के साथ लगाएंगे। तो दोस्तों, हम एक छोटा सा पॉइंट बना चुके हैं जिस पर PVC टैप लगाया जाएगा गर्म पानी के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि गीजर के साथ कनेक्शन किस तरीके से किए जाएंगे। ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, ये गीजर के साथ जोड़ा जाएगा। ये जो कनेक्शन है, ये इनलेट वाला कनेक्शन है जिससे पानी गीजर में सप्लाई होगी। तो इसको हम गीजर के साथ कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद हमने गर्म पानी वाला कनेक्शन करना है। ये जो आपको दिख रहा है कि ये कनेक्शन गर्म पानी के लिए है, आउटलेट वाला जो कनेक्शन होता है, इसको हम लगा देंगे जिससे गर्म पानी जो निकलेगा। ये जो हमने कनेक्शन बनाया था, इसके साथ हम जोड़ देते हैं इसको। आप देख सकते हो हम किस तरीके से इस बाथरूम में विदाउट पॉइंट के साथ गीजर को फिट करके और नल लगा के भी दिखा रहे हैं। अब जो नीचे है, जहाँ पे हम PVC टैप लगा के भी दिखाते हैं, जो जो कनेक्शन निकाला था, ये हमारे पास PVC टैप जो छोटा था, हमने इसके साथ सॉकेट और निपल का इस्तेमाल किया इसको लंबा करने के लिए, जो PVC टैप है। तो इस PVC टैप को हम इस जगह पे लगा देंगे गर्म पानी के लिए।
जो हमने पीवीसी टैप ली है इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं कि ये लीकेज ना हो। तो आपने देखा किस तरीके से विदाउट पॉइंट के साथ बाथरूम में गीज़र को फिट किया जाता है। तो दोस्तों अब हम इस नल को चला के भी दिखाते हैं, इस नल में पानी आता है या नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें पानी आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरह अगर बाथरूम में कोई भी गीजर का कनेक्शन नहीं रखा है तो आप इसी तरह से गीजर लगा सकते हो जिस तरीके से हमने इस वीडियो में दिखाया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आपने जो वीडियो देखी होगी आपको जो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।